हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम मुमकिन है नशे से मुक्ति में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना, उन्हें जीने के लिए सही दिशा दिखाना। नशा किसी भी तरह का करें नुकसानदायक ही होता है, इससे हमारा शरीर कई बीमारियों से ग्रस्त होता है, साथ ही हमारे मस्तिष्क पर भी इसका बेहद बुरा असर पड़ता है। आज के युवा नशे के जाल में फंसकर अपना करियर और जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही ये नशा परिवार को भी नाश कर देता है। आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए जानेंगे कि नशा हमारे न्यूरॉन्स को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। हम सभी जानते हैं कि नशे का सेवन सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि नशे की आदत दिमाग पर भी बहुत असर डालती है। एक शोध के मुताबिक रोज स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों का दिमाग नशा न करने वाले लोगों के दिमाग की तुलना में कमजोर होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि नशा करने के बाद लोग नशे में आकर क्यों इधर उधर की बातें करने लगते हैं? आखिर नशा हमारे दिमाग में ऐसा क्या कर देती है कि जुबान से लेकर पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं? एक शोध में पता चला है कि नशे का सबसे अधिक असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। नशा कोई भी हो, ये हमारे मस्तिष्क को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी खराब कर सकता है। नशा धीरे धीरे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के काम में बाधा डालना शुरू कर देती है। ये न्यूरॉन्स पूरे शरीर को संदेश भेजने, संदेश लेने और सिग्नल को प्रोसेस करने के कामकाज को संतुलित करती है। गांजा और हीरोइन जैसी कुछ ड्रग्स न्यूरॉन्स को अधिक सक्रिय बना देती है, क्योंकि उनमें मौजूद रसायन की संरचना शरीर में उपस्थित प्राकृतिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही व्यवहार करती है। इससे दिमाग का सामान्य कार्य गड़बड़ा जाता है। इन रसायनों की अधिकता की वजह से ही दिमाग पर कोई जोर नहीं रहता। गंभीर मामलों में लंबे समय तक किसी नशे का इस्तेमाल करने से मस्तिष्क पर इसका स्थायी असर पड़ सकता है। ये असर नशा छोड़ देने के बाद भी कई सालों तक रह सकता है। यही कारण है कि नशा छोड़ देने के सालों बाद भी किसी व्यक्ति के फिर से नशे के चंगुल में दोबारा फंसने की आशंका होती है। तो नशा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी खतरनाक है, जो पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद करने का कारण बनती है। नशा कितना खतरनाक हो सकता है, यही बताने की कोशिश हर बार हम कर रहे हैं अपने इस खास सीरीज में। नशा न केवल आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर तरीके से जिंदगी को बर्बाद करता है, बावजूद इसके नशे के लत में हर दिन लोग इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं और अपने करियर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। क्या होता है इसका दिमाग पर असर, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एचपी सिन्हा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। डॉक्टर साहब, नशे की जो लत है वो इस हद तक हो गई है, आप लगातार जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये देखने को मिला है कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर युवा यानी कि महिलाएं, लड़कियां सब इसकी गिरफ्त में आती जा रही हैं। ऐसा क्या मिल जाता है नशे में कि लोग इसकी लत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्यों इतने लाचार हो जाते हैं? देखिए, इसके लिए समझने की जरूरत है कि हमारी ब्रेन की संरचना कैसी है। हमारा ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना है। करीब 90 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में हैं, जो कि भिन्न भिन्न कार्य को संपादित करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स हैं जो हमारे हाथ पैर को चलाने में मदद करते हैं, कुछ हैं जो संवेदनाओं को प्राप्त करके ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करते हैं, तो कुछ हैं जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो जो भी नशे का पदार्थ है जब खून के रास्ते होते हुए ब्रेन तक पहुँचता है तो वहाँ पर वो न्यूरॉन्स पर काम करता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं साइनेप्स के जरिए, और उन साइनेप्स के बीच में रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब भी नशे की कोई चीज़ हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो एक विशेष प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसे कहते हैं डोपामिन। जब वो रिलीज होता है तो मस्तिष्क के साथ साथ मनुष्य को
बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी होती है, एक हाइक मिलती है, एक किक मिलता है, तो बार बार उसकी इच्छा पैदा होने लगती है। तो ये एक तरह का हैप्पी हार्मोन होता है डोपामिन, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके लत पड़ने लगती है, क्योंकि हर बार उतना ही आनंद उसे प्राप्त नहीं होता उस डोज से, तो अगली बार हो सकता है उसे अधिक मात्रा में नशे की जरूरत पड़े, तो इस तरह से धीरे धीरे उसकी लत पड़ने लग जाती है। लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हम नशा मुक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और दिमाग पर बात कर रहे हैं, तो जो भी आप खाते हैं पीते हैं उसका असर कहीं ना कहीं दिमाग पर होता है। सवाल यही उठता है कि जो तम्बाकू खाते हैं या तम्बाकू से बने पदार्थों का सेवन करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, क्या सभी का कहीं ना कहीं संदेश ब्रेन तक जाता है? क्या ये कोरिलेट है या फिर ये अंग विशेष का ही असर रह जाता है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, जितनी भी नशे की चीजें हैं वो अधिकतर अंगों पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी चर्चा की कि एक विशेष न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए सब काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इसके अलावा अन्य अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड पर प्रभाव पड़ सकता है, न्यूरॉन्स में प्रभाव, न्यूरोपैथी हो जाती है जिसकी वजह से पैरों की नसें, हाथों की नसों में प्रभाव पड़ सकता है, और इसके अलावा मसल्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब इसका थोड़ी सी हम चर्चा ये कर लेते हैं कि मस्तिष्क पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि वो एक डोपामिन रिलीज करता है जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है, उसके बाद आप इसके एडिक्शन में चले जाते हैं। सवाल ये उठता है सबसे अहम कि इस तरीके से लगातार अगर आप अपने मस्तिष्क को अल्कोहल या इस तरीके की चीजें दे रहे हैं, तो ये खुद किस तरीके से प्रभावित होता है, अपने लिए खुद सारी बीमारियां जनरेट करता है और शरीर को भी ये कितना कमजोर करता है? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि केवल खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है जब नशे की कोई चीज़ लेते हैं, वह तो तात्कालिक प्रभाव होता है, लेकिन उस नशे की चीज़ का प्रभाव शरीर के अन्य अन्य अंगों पर भी होने लगता है। जैसे हमारे मस्तिष्क के भीतर जो खून की नशे होती हैं, जो गले से होकर ऊपर की ओर जाती हैं, उनके चारों तरफ भी, उनके भीतरी दीवार के अंदर एक तरह से काई जमती जाती है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं या एथेरोमा कहते हैं, और वो लेयर जो है खून के प्रवाह को धीरे धीरे बाधित करने लगता है, और इसकी वजह से कुछ लोगों में ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कोई पीस उसमें से छोटा टूट कर ऊपर की ओर बह जाता है और बारीक नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन के भीतर खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है और जिसकी वजह से मरीज को पैरालिसिस के लक्षण आ जाते हैं। तो इसके अलावा न केवल मस्तिष्क में बल्कि शरीर के दूसरे अंगों में भी, जैसे मैंने पहले बताया कि नर्व्स पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है। बहुत लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति लेता रहे तो न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी में मरीज को भयंकर जलन होने लगती है पैरों में, असहनीय पीड़ा होने लगती है, नंब होने लगता है, सुन होने लगता है वह पैर या हाथ का हिस्सा, और धीरे धीरे करके मरीज जो है कई बार की चलने में असमर्थ हो जाता है, अपंगता की स्थिति में पहुंच जाता है। और सबसे भयावह बात यह है कि नशा बंद करने के बाद भी कई बार की उसका प्रभाव दीर्घगामी होता है और पर्याप्त रिकवरी, पर्याप्त उपचार के बाद भी नहीं आ पाती है। तो ये अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जैसे आप सब जानते हैं कि निकोटिन का सेवन अगर कोई लंबे समय तक करे तो ब्रेन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है भिन्न भिन्न अंगों में, जैसे लंग कैंसर हो गया किसी को, तो उस कैंसर की वजह से कुछ कोशिकाएं जो है धीरे धीरे खून के माध्यम से ब्रेन में भी पहुंच जाती हैं, तो लंग कैंसर ब्रेन कैंसर का कारण भी बन जाता है, मेटास्टेसिस कहते हैं जिसे, और उसकी वजह से मरीज को भयंकर सिरदर्द होता है, उल्टियां होने लगती है और उसके वजह से भी लकवे जैसा प्रभाव आने लगता है, तो कई बार की जानलेवा हो जाता है। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, न्यूरोलॉजिस्ट होने की हैसियत से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि स्ट्रोक की जो बातें हैं वो ज़्यादा सुनने में आ रही है कि स्ट्रोक हो रहा है या ब्रेन हैमरेज हो रहा है या ब्रेन में ट्यूमर हो रहा है। आपको लगता है कि ये जो नशे की लत लोगों में बढ़ती जा रही है हर वर्ग में, किसी एक वर्ग को मैं नहीं कहूँगी, सभी वर्ग में, क्या एक ये बड़ा कारण है क्या स्ट्रोक का? बिल्कुल, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो इमरजेंसी एडमिशन्स हैं उसमें अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो करीब 6 से 7 लोगों में आउट ऑफ 10 हम देखते हैं कि अल्कोहल की हिस्ट्री मिल रही है, टोबैको कंजप्शन की हिस्ट्री मिल रही है। तो न केवल सामान्य प्रकार का स्ट्रोक जिसे हम इस्कीमिक इन्फार्क्ट्स कहते हैं, इसके अलावा भी एक CVT नाम की बीमारी होती है जिसमें कि ब्रेन के अंदर जो खून की नसें होती हैं, जो गंदा खून ब्रेन से हृदय की ओर लेकर आती हैं, उन नसों में भी प्रॉब्लम आ जाती है अल्कोहल की वजह से।
वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के भीतर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज की रोशनी भी आंखों की रोशनी जा सकती है और कई बार की लकवे का प्रभाव आ जाता है और कभी कभी ब्रेन की नसें फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो यह आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है अल्कोहल और निकोटीन वाले पदार्थ लेने से। इसके साथ ही कैंसर की संभावना भी इन पदार्थों से बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो बीमारी पर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं और जितने भी पदार्थ, जितने भी तरीके से नशा आप कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पदार्थ आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं उसका असर तो होगा। ये बात और है कि किसी में वो होता है, किसी में वो नहीं होता, लेकिन खतरा बढ़ जाता है, इसलिए एक्सक्यूज काम नहीं करता। ये बीमारी पर हमने चर्चा की डॉक्टर साहब, लेकिन क्या चूंकि ब्रेन से जुड़ी चीजें हैं तो क्या कई बार ये होता है कि आपकी मेमोरी चली जाए या फिर आपका व्यवहार बहुत चेंज हो जाए? कई बार देखा है कि नशे की वजह से क्राइम भी बहुत ज्यादा होते हैं, एग्रेसिव होने से मार पिटाई, घरेलू हिंसा जैसे भी शिकार होते हैं, तो क्या ये नियंत्रण खत्म हो जाता है क्या ब्रेन से कि इस तरीके की चीजें घटती हैं? जी बिल्कुल, हमारा ब्रेन का फ्रंटल लोब जो है वो हमारी अनैतिक चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करता है। अब जैसे जैसे हम नशे का सेवन करने लगते हैं तो प्लेजरेबल इफेक्ट पाने के लिए जब हम बहुत अधिक मात्रा में नशे का सेवन करने लगते हैं तो वह एरिया जो ब्रेन का हमारे मनोभावों को नियंत्रित करता है वह कम काम करने लगता है, जिसकी वजह से हम जिन कार्यों को सामान्यतः नहीं करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होते हैं, असामाजिक कार्यों में हम लिप्त नहीं होते, उन कार्यों को करने लग जाते हैं। और इसके अलावा आपने बिल्कुल सही बताया कि मेमोरी आदमी की कम होने लग जाती है नशों की वजह से, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, छोटे छोटे बातों पर जी उछड़ जाता है और जिन चीज़ों से पहले रस मिलता था उन चीज़ों में अब रस नहीं मिलता और आप अधिकाधिक नशे की तरफ ही झुकाव करते हैं अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक नशे का सेवन करने से मानसिक तौर पर, व्यवहारिक रूप से उनके व्यवहार में काफी अधिक परिवर्तन आ जाता है। मोहन ठाकुर जुड़ गए हैं महासमुंद से हमारे साथ में। मोहन, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ सर, इसमें जैसे नशा छुड़ाने के लिए है तो हमारे घर में पीता है, हमारा भतीजा सिपाही है, दो तीन जगह उनका इलाज कराया, शंकर नगर, रायपुर में, नागपुर में, पर लत नहीं छूट रही है। नहीं छोड़ा। कई बार की ऐसा होता है इन कारणों में, क्योंकि आप जो बता रहे हैं ऐसा लगता है कि सीवियर फॉर्म ऑफ एडिक्शन है। ऐसे केसेस में तो एक साइकेट्रिस्ट के मार्गदर्शन में एडमिट होकर ही इलाज कराना रहता है। मुझे लगता है कि पर्याप्त उपचार सही समय पर नहीं ले पाए हैं, इसलिए किसी और अच्छे कॉम्पिटेंट साइकेट्रिस्ट से मिलकर लंबे समय तक उपचार कराना होगा। आप हारिए नहीं, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि नशे की लत से छुटकारा संभव है, यह बात सबको समझने जैसा है। बिल्कुल, और जितनी जल्दी अगर ये बात आप समझ जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई नशे का लत है, किसी को आदत है और अगर वो छोड़ देता है तो भी उसका असर सालों तक बना रहता है, तो इससे बेहतर है कि जितनी जल्दी आप छोड़ेंगे शायद उतनी जल्दी इसके असर से बाहर आए। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो मुमकिन ना हो। जब नशे की लत आपको लगी हुई है तो आप नशे की लत को छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों को नशे से मुक्ति में आसानी मिल सके, वो ये जान सकें कि इसकी वजह से किन किन तकलीफों से उन्हें जूझना पड़ सकता है, बेहतर है कि नशा छोड़ दिया जाए। नशे की लत छूटती नहीं डॉक्टर साहब, जैसा कि वो भी कह रहे थे कि आप इलाज करा लीजिए, लेकिन घूम फिर कर आपको वो लत अपनी तरफ खींच लेती है, कैसे छोड़े आखिर, कैसे निकले, कोई रास्ता बताएं आप? बिल्कुल, एडवांस केसेस में तो आपको डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और डी एडिक्शन सेंटर्स हैं हमारे देश में काफ़ी सारे, वहाँ पर आपका पर्याप्त उपचार होना चाहिए। लेकिन शुरुआती समय में जब आपको मालूम होता है कि आपको नशे की लत लग रही है या परिवार के किसी सदस्य को लगता है कि हमारे परिवार के एक सदस्य को नशे की लत लग रही है और बहुत ही शुरुआती लक्षण आने लग गए हैं, तब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिससे कि आप उस नशे की लत से छुटकारा पा सकते हैं, काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। मैं इसे 7S का नाम देता हूँ। पहला एस है सिंपथी या सहानुभूति। मैंने कुछ समय पहले एक समाजसेवी का एक भाषण सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई शराब छोड़ नहीं पा रहा है और वो कितना बताने के बाद भी शराब का सेवन किए चले जा रहा है तो उसे चौराहे पर बांध कर पीटना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। उस मरीज के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए। जैसे एक मरीज के प्रति हमारा सहानुभूति का भाव होता है, किसी को बुखार होता है तो हम उसे थप्पड़ थोड़ी मारते हैं कि आपने क्यों पानी में भीगे, आप उसका उपचार करते हैं। चूंकि इस नशे की चीज़ों में मरीज जो है फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसे बड़े सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखें सबसे पहले, इससे आपके उस नशे के मरीज के प्रति अप्रोच में बदलाव आएगा। सेकंड मैं कहता हूँ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हमारे मन की एक टेंडेंसी होती है
कि हमारा मन हमेशा एक खुशी की तलाश में, आनंद की तलाश में रहता है। तो ऐसा बहुत संभव है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आनंद की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आप नशे की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस तैयार कीजिए। हम बचपन में काफ़ी सारी हॉबीज रखते थे, अब जैसे जैसे समय गुजरता है हमारी हॉबीज कम होती चली जाती हैं, हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं रह जाता। और जब भी कोई स्ट्रेस का मौका आता है तो फिर हम टूटने लगते हैं और नशे की तरफ अपने आनंद की प्राप्ति के लिए जाने लगते हैं। तो ये सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस कुछ भी हो सकते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, गायन हो सकता है, डांसिंग हो सकती है, और भी हॉबीज अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो उन हॉबीज़ को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा आपको बनाना चाहिए। तीसरा यस है सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। किसी भी तरह का एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वो आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ हैप्पीनेस देगा। क्योंकि एक्सरसाइज करते ही हमारे भीतर एंडोर्फिन नाम का एक एंडोजिनस हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपके मूड को अपलिफ्ट करता है और आपकी नशे की जरूरत को कम करता है। तो यह किसी भी रूप में हो सकता है, योगा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, और जिमिंग भी हो सकती है। तो आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प है, गेम्स भी हो सकते हैं। चौथा है संगति, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगति दो तरह की हो सकती है, कुसंगति और सुसंगति। मेरे एक मरीज आए थे जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था आज से 10 दिन पहले। मैंने उनसे पूछा, भाई आपको कोई नशा है? उन्होंने कहा, जी मैं पान खाता हूँ, उसमें तंबाकू डलवाकर पान खाता हूँ। तो मैंने कहा, यार कमाल है, आप छोड़ नहीं सकते, क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं टीचर हूँ। मैंने तो कहते और भी बुरी बात है ये तो। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों आप विवश हो जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो करीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है, तो जब मैं अपने बाइक से जाता हूँ स्कूल की तरफ, तो बीच रास्ते में एक पान की दुकान पड़ती है, और जैसे वो पान की दुकान आती है, ना मालूम क्या होता है, मेरा ब्रेक दब जाता है, मैं उतर कर पान लेकर खा लेता हूँ। जब वापस बाइक में बैठता हूँ तब मुझे होश आता है कि मैंने पान खा लिया है। तो ये व्यवस्था है। मैंने कहा, तो कोई विकल्प नहीं है आपके पास, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तो उसने कहा, है, लेकिन दूसरा जो है वो करीब 6 किलोमीटर रास्ता है। मैंने कहा, वो रास्ता अपनाइए, क्योंकि वो दूरी नहीं है, आप इसकी वजह से विवश हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। जब भी हम व्हाइट कोट को देखते हैं तो डॉक्टर की याद आती है, ब्लैक कोट को देखते हैं तो वकील की याद आती है, वैसे ही हमारा एसोसिएटिव मेमोरी काम करता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि किन व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ व्यक्ति से मिलने के बाद आपको इसकी तलब उठती है, उससे दूरी बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा सेकंड है वो सुसंगति, मतलब जिन व्यक्तियों ने इस नशे को हराया है उन लोगों की जीवनी पढ़िए, उनके संपर्क में रहिए, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि ये छोड़ा जा सकता है। इसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हम गम में दारू पीते हैं या गम में हम नशा करते हैं, क्योंकि यार जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, एक बहाना है ये। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके सीखने चाहिए, जो कि उसके बहुत सारे ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीकों पर काम करना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी उससे मुक्त हो सके। इसके बाद जो छठा यस है वो है सपोर्ट ऑफ फैमिली। इस नशे की जंग को नशे से आदि व्यक्ति अकेले जीत नहीं सकता है, उसमें परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग होना चाहिए, एक सहानुभूति परक जो है अप्रोच होना चाहिए। कई बार की मरीज इतना हताश हो जाता है, नशे का मरीज, कि वो अवसाद से पीड़ित हो जाता है और कई बार की सुसाइड तक की संभावना आ जाती है, क्योंकि वो चाहता है छोड़ना, लेकिन चूंकि वह विवश है इसकी वजह से छोड़ नहीं पा रहा है। तो आप उसे विक्टिमाइज करने की कोशिश न करें, आपको उसके प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाना चाहिए और उसके बगल में खड़े रहना चाहिए। और सातवां है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति के अभाव में व्यक्ति छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने आप को दुख देना चाहता है? नशे का आदि व्यक्ति भी स्वयं को दुख नहीं देना चाहता है, लेकिन वह विवश हो जाता है, क्योंकि इच्छा शक्ति काम नहीं कर रही होती है। तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा शक्ति बढ़ाने की तरफ काम करना चाहिए। जैसे कोई आदमी 5 पेग अल्कोहल रोज लेता है, तो उसे ये ना कहें कि आप आज ही छोड़ दीजिए, आप उससे कहिए कि अगले 7 दिनों तक आप 4 पेग लीजिए, फिर अगले 7 दिनों तक 3 पेग लीजिए। क्रमशः धीरे धीरे करके उसको जब सफलता मिलने लगेगी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ती जाएगी। और भी उपाय हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे उपाय हैं जो हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे उपवास है, आप उपवास कर सकते हैं, या कभी आपने जैसे व्रत लिया है कि 5 पेग आज नहीं पीऊंगा, 4 पेग लेना है, और पी गए किसी वजह से, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आज का लंच मिस करूंगा, या आप किसी तरह से अपने आप को छोटा पनिशमेंट दे सकते हैं, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमें इस काम में लगे रहना चाहिए। तो ये 7 ऐसे जिसके जरिए मैं समझता हूं कि शुरुआती नशे की आदत को काफी हद तक
रोका जा सकता है। बिल्कुल, इसमें दो तीन चीजें डॉक्टर साहब बहुत अहम आपने कही। एक तो इच्छा शक्ति की बात है, दूसरा फैमिली सपोर्ट की बात है, जो कि ज्यादातर परिवारों में ये देखा जाता है कि जिनके घरों में अगर पुरुष पी रहे हैं तो हिकारत की नजर से देखा जाता है, उसको सम्मान नहीं मिलता और खास करके फैमिली मेंबर्स के द्वारा उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जाता है। ऐसे में फैमिली मेंबर्स को भी अब यहाँ पर कितना अलर्ट रहने की जरूरत होगी और किस तरीके से खुलकर यहाँ पर बात करने की जरूरत होगी, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामलों में या तो अपने बच्चों से या अपने घर के पुरुषों से बातचीत नहीं की जाती है और उसका यह नतीजा होता है कि आगे चलकर यह बीमारी के रूप में सामने फेस करना उन्हीं को पड़ता है। जी हाँ, इसमें परिवार की बिल्कुल अहम भूमिका होती है। जैसे ही आपको लगता है कि आपके परिवार का सदस्य धीरे धीरे नशे की लत में पड़ता जा रहा है तो आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि ये हालत क्यों आ रही है, क्या हो रहा है, क्या कहीं कोई कमी है उसके जीवन में जिसकी वजह से वो एक अल्टरनेटिव सोर्स तलाश कर रहा है। और कई बार हम जब जांच पड़ताल करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई कारण है जिसकी वजह से वह नशे की तरफ आगे जा रहा है। अगर हम उस कारण को डिटेक्ट कर पाएं तो उसका समाधान बड़ा आसान हो जाता है और एक बार उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए और बात न बने तो किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए ताकि प्रॉपर काउंसलिंग हो सके। बिल्कुल, तो सभी पहलुओं पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि नशे की लत से आपका परिवार दूर हो सके, क्योंकि आगे चलकर ये बीमारी और आर्थिक रूप से आपको कमजोर करने वाला है। बेहतर है आप इसकी गिरफ्त से बाहर निकल जाएं। बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी जो हेल्पफुल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।